नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टमो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, बेसिकली ये टॉपिक है इमरजेंसी एवैक्यूएशन के बारे में। पिछले कुछ दिनों से हम लोग न्यूज़ देखते आ रहे हैं कि कुछ कुछ कंट्री के स्टूडेंट्स वीडियोज़ डाल रहे हैं कि हमको यहाँ से एवोकेट कर लीजिए आप, या तो फिर वहाँ पर वो परेशानी की बातें कर रहे हैं, वो जो भी है डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ बना के डाले जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली देखने जाए तो सी द प्रॉब्लम है। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, हर कोई फंसा हुआ है, कोई घर में फंसा हुआ है, कोई दूसरे सिटी में फंसा हुआ है, कोई दूसरे स्टेट में फंसा हुआ है, कोई होटल में फंसा हुआ है, कोई डिफरेंट कंट्री के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है वो वहाँ पर फंसा हुआ है, कोई जॉब कर रहा है तो जॉब पर कहीं बाहर गया हुआ है वहाँ पर भी फंसा हुआ है, वो नहीं आ रहा है रिटर्न यहाँ से। रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है, इट्स अ सेफ्टी प्रिकॉशन टेकिंग बाय द ऑल गवर्नमेंट ऑल द कंट्रीज। सो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ की गई है। हमको मालूम है पिछले किस दिनों में कोरोना वायरस के, अगर हमारा जो इंडिया में लॉकडाउन हुआ उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में जो केसेस थे वो करीब 4 लाख के आसपास थे, आज की डेट में वो 12 लाख जितना केस हो चुका है, डेथ 70,000 से ऊपर हो चुकी है, ऑलमोस्ट 71,000। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, यहाँ से बचना ज़रूरी है। हम लोग आज अभी आपको जो चीज़ दिखाएंगे, एक्चुअली जो हम लोग ये डिस्कस करेंगे उस दौरान अलग अलग कंट्रीज़ की एक स्लाइड आपके सामने आएगी, वो स्लाइड आपको गौर से देखनी है। और दूसरी बात, अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आता है देखने के बाद, आपको लगता है शेयर करने जैसा है किसी को, ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है उन स्टूडेंट के लिए जो अब्रॉड में फंसे हुए हैं, उन वर्कर्स के लिए जो अब्रॉड में फंसे हुए हैं, उन फैमिलीज के लिए जो दूर है अपने से, वो उनके लिए वीडियो बनाया गया है। तो आपको एक फिगर पहले तो हम लोग दिखाएंगे जहाँ पे, उससे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ भी आपको लग रहा है कमेंट करने से आप कमेंट भी कर सकते हैं, और लाइक करना है तो लाइक कर सकते हैं। तो जो स्लाइड जाएगी आपके पीछे बैकग्राउंड पे सीन पे, हर एक स्लाइड अलग अलग कंट्री वाइज है। ये डेटा हमने इकट्ठा किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर से, जहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है कि कितने स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं आज तक। ये 2018 का डेटा है, कितने स्टूडेंट गए हैं, वो कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, डेंसिटी, दैट मीन्स के 1 किलोमीटर के रेडियस में कितना पॉपुलेशन है वहाँ पे मैक्सिमम, और दूसरा उसमें जो करोना वायरस से इन्फेक्शन क्या है। ये एक डाउनग्रेड में हमने दिखाया हुआ है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, उस तरीके से कोरोना इफेक्टेड कंट्री हमने यहाँ पर हाईलाइट की हुई है। तो हर एक कंट्री का रिकवर्ड केस कितना है, डेथ रेशियो कितना है, और कोरोना का 1 मिलियन पीपल के बीच में इन्फेक्शन होने के चांसेस कितने हैं, ये एक हमने पूरा डेटा दिया हुआ है। अभी आप अगर फिलहाल देखेंगे तो जो कंट्रीज हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं अभी जो फिलहाल शुरू में की हुई है, उसके अंदर मेजोरिटी क्रीम कंट्रीज ज़्यादा है। आप देखेंगे तो यूएसए है, कैनेडा है, ऐसी कोई कंट्री ज़्यादा रहेंगे जहाँ पर इन्फेक्शन का रेशियो ज़्यादा है। इवन वहाँ पर स्टूडेंट का रेशियो भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी स्टूडेंट का रेशियो आपको 1 लाख से ऊपर, कई जगह पे 50,000 के ऊपर आपको दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ से आज तक एवैक्यूएशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई है कोई भी स्टूडेंट की। ये जो रिक्वायरमेंट आई है बेसिकली, ये रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई करने गए स्टूडेंट के थ्रू आई हुई है। सबसे पहले एवैक्यूएशन हुआ है इंडिया के अंदर, एवैक्यूएशन किया गया है, कहाँ से किया गया, ईरान से किया गया। ईरान में कुछ वर्कर कैटेगरी के लोग थे वहाँ पे, और वहाँ का मेडिकल स्टैंडर्ड उतना ऊंचा नहीं है, और ईरान ऑलरेडी फेस कर चुका प्रॉब्लम, फेस किया हुआ कंट्री है, तो वहाँ पे जो वर्कर स्टाफ है उनको रिटर्न लाने के लिए वोकेशन किया गया है, वहाँ पर स्टूडेंट नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे जो डेटा है ओवरऑल डेटा है, स्टूडेंट का सिर्फ डेटा नहीं है, कई जगह पर मिक्स डेटा भी रहेगा, कुछ वर्कर्स भी रहेंगे, स्टूडेंट्स भी रहेंगे। तो ये जो कंप्लेंट्स आ रही है, लाइक जॉर्जिया, लाइक यूक्रेन, लाइक रशिया, वहाँ से सब आ रही है रशिया। एक्चुअली वहाँ पे एम्बेसी एक्टिवेटेड है, हर एक एम्बेसी के नीचे वेबसाइट का लिंक हमने दिया हुआ है हर एक कंट्री वाइज, आप वहाँ पे भी रिफ़र कर सकते हो, और वेबसाइट की लिंक ओपन करके आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और रिक्वायरमेंट रहेगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग हर एक कंट्री की एम्बेसी की लिंक वहाँ पे आपको डाल के दे देंगे, कि जिससे आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक डायरेक्टली ओपन कर पाए, इट्स बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी। अगर हम लोग अभी बात करेंगे तो ये जो कंप्लेंट्स आ रही है उन मेडिकल के स्टूडेंट की आ रही है, जो मेडिकल से बिलोंग करते हैं, उनको मेडिकल का सीरियसनेस पता होना ज़रूरी है, कोरोना वायरस क्या है एक्चुअली,
और उससे बचने का सबसे बढ़िया उपाय एक ही है, आप जहाँ पे है वहाँ पे रहें। कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन काम में लगने वाली नहीं है। दूसरी बात ऐसी मानी जा रही है कि बुजुर्ग लोग ही मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग ही इन्फेक्ट हो रहे हैं, यंगस्टर्स नहीं हो रहे। गलत बात है, यंगस्टर्स का रेशियो भी 30-35% है आज की डेट में इन्फेक्शन होने का। तो उसके अकॉर्डिंगली किसी को भी वो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं कि बाहर घूमने फिरे निकले। कुछ दिनों पहले जॉर्जिया के अंदर से हमारे पास एक न्यूज़ आया कि अपने इंडियन स्टूडेंट थे, क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहाँ पे पुलिस ने उनको पकड़ा और उनको पेनलटाइज किया गया। करना ही पड़ेगा, इट्स अ रूल ऑफ द कंट्री। अपने इंडिया के अंदर जिसको जैसा मन आ रहा है वैसे घूम रहा है। अभी केस कितने बढ़ के, अभी आज की डेट में जब मैं बात कर रहा हूँ मोर देन 5000 केसेस हो चुके हैं। और जो बच्चे आने की बात कर रहे हैं उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे आप जहाँ पे हो, जिस रूम में बंद हो वहाँ पे आप सेफ हो। हाँ, आपको बाहर निकलना है, वहाँ पे हर एक कंट्री में छूट छाट है कि आपको हर रोज़ की लाइफ की जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें आपको लेनी है, मार्केट के अंदर आप जाइए, जाके परचेस करके स्टॉक करके रख लीजिए, हर रोज़ बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और पढ़ाई है आपके साथ, मेडिकल की पढ़ाई आप कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस आप सबके चल रहे, वो अटेंड करो। आपके लिए कोई टाइम पास वाली चीज़ नहीं है, वैसा है ही नहीं। आपको तो पढ़ाई करनी है, जो आप क्लासरूम में जाके कर रहे थे वो आपको घर वहाँ पे हॉस्टल में बैठ के करनी है। इन्फेक्शन आपको हॉस्टल में बैठे बैठे नहीं होने वाला है, आप जब रिस्क लेंगे बाहर निकलने का तभी होगा। और दूसरी बात, अगर एवोकेशन की आप बात कर रहे हो तो आप जिस सिटी में रह रहे हो तो हर एक सिटी में डिफरेंट एवोकेशन नहीं होने वाला है। आपको मेन जहाँ से एवोकेशन हो रहा है वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ करोगे। बाकायदा चलो वहाँ तक आप सेफ सही सलामत पहुँच गए, उसके बाद फ्लाइट में आप जब ट्रैवल कर रहे हो, 400 से 450 पैसेंजर होते हैं एक फ्लाइट के अंदर, मे भी कई बार बड़ा प्लेन होगा तो 700-600 तक भी हो जाता है, उसके अंदर कोई इन्फेक्टेड नहीं है उसका गारंटी क्या है? और पूरे 8 से 10 घंटे एक एयर कंडीशन फ्लाइट के अंदर आप बैठ के आ रहे हो, वहाँ पे एसी के अंदर उल्टा जम्स फैलने का और वायरस फैलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। इवन चलो आप वहाँ से यहाँ तक आ गए, आपको यहाँ पे एवोकेशन सेंटर में रखा जाएगा, मे बी शायद आपको दिल्ली रखा जाए या जैसलमेर रखा जाए या मुंबई रखा जाए, कहीं पर भी रखा जाए, तो आपको वहाँ पर रखा जाएगा करीबन 14 दिन। और एज़ पर WHO जो गाइडलाइन आई हुई है, 14 दिन के अंदर भी कई बार ये वायरस डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और कई बार डिटेक्ट होने के बाद कंप्लीट होने के बाद फिर से भी वो रिटर्न इफेक्ट कर रहा है। मीन्स अगर आप इन्फेक्शन लेके यहाँ पे इंडिया में आ रहे हो, चलो आप आइडेंटिफाई हो गए, आपका ट्रीटमेंट सब कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद फिर से नहीं आने का चांसेस है नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, फिर से भी लग रहा है। चाइना के अंदर कोरिया की अभी न्यूज़ आई थी, 50 लोग को जो रिकवर हो चुकी थी उनको फिर से लग गया कोरोना का इफेक्ट। तो अगर आप तो चलो यंगस्टर है, आपको कुछ होने वाला नहीं, आपकी मौत नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपके घर के अंदर कोई बुजुर्ग रहेगा, कोई छोटा बच्चा रहेगा, उसको इन्फेक्शन अगर लग गया तो उसकी जान के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा है ये चीज़ का। तो ये चीज़ की सीरियसनेस को समझिए। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि सपोज लॉकडाउन भी ओपन होता है उसके बाद 10 से 15 दिन और सेफ्टी रखिए, क्योंकि लॉकडाउन ओपन होते एक रश बढ़ जाता है हर एक जगह पर, और रश बढ़ता है उसमें कोई भी इन्फेक्टेड एक बंदा आ गया फिर से फैलाने के चांस है। चाइना ने परसों ओपन किया था, कल 951 केसेस फिर से दिखने को मिल गए। मीन्स इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग एंड इट्स ऑल अबाउट योर सेफ्टी एंड ऑल थिंग। सो ये जो स्लाइड्स देख रहे हैं उससे आपको पता चल रहा होगा अभी कि एक्चुअल सिनारियो आपकी आपकी जो प्लेस है वहाँ पे तो बहुत सही है। अगर आप इंडिया की देखेंगे सिनारियो, ये जो अभी स्लाइड आएगी इंडिया की, इंडिया के अंदर आप देख लो डेंसिटी किया है, अभी 164 केसेस का, 464 का डेंसिटी है इंडिया वाइज। तो बचने का एक ही जरिया है, जहां पे वहां पे रहे, सेफ रहे। हम अगर जानते हैं, सब लोग जानते हैं ये चीज़ को, कि अभी तक कोई भी वैक्सीन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है इसका, ना कि कोई दवाई इसके ऊपर असर कर पा रही है। अगर जो भी रिलीव हो रहे तो उसको भी अभी अंडर वॉच रखा जा रहा है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इसका कब जाके फिर से रिटर्न में हो जाए, फिर से भी हो सकता है पेशेंट को। तो इसीलिए अभी जो फिलहाल रास्ता है, जहां तक कोई भी वैक्सीन नहीं ढूंढी जा रही, इवन टेस्ट किट भी सफिशिएंट किसी के पास अवेलेबल नहीं है, वहाँ तक रास्ता एक ही है अपने पास कि हम लोग इसको जितना भी होता है उतना क्योर करें। क्योर करने का रास्ता क्या है? तो वही है सोशल डिस्टेंस एंड सेल्फ क्वारंटाइन। सी, जो भी कंसल्टेंट है या जो भी स्टूडेंट है अभी इस टाइप की जो भी कंप्लेंट रेज कर रहे हैं, सी स्टूडेंट की ओर से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट अपनी जगह पर सही है, फैमिली से दूर है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसकी वजह से वो ऐसा एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उनकी इस एक्शन का कुछ लोग मिसयूज़ भी करते हैं। सी, आप एज ए स्टूडेंट जिस कंट्री के अंदर पढ़ाई कर रहे हो,
इवन आप जिस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दोनों का रिस्पेक्ट होना आपको ज़रूरी है। दोनों कंट्री का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा इस कंडीशन के अंदर। इस कंडीशन के अंदर एज पर WHO नॉर्म्स हर एक कंट्री का डोर क्लोज किया हुआ है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन टोटली बंद किया हुआ है। अगर आप एवोकेशन की बात कर रहे हो तो एवोकेशन के सिम्टम्स कुछ ज़्यादा ही भयानक भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ पॉजिटिव होगी। एवोकेशन वो उस कंडीशन में अच्छा ठीक रहता है कि कोई वॉर छिड़ गई या कुछ ऐसा हुआ है तो उस कंडीशन में एवोकेशन करना चाहिए, लेकिन इस टाइप की महामारी जब पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है तो उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब वहाँ से यहाँ पे 10 से 12 घंटे का ट्रैवलिंग करके इंडिया आओगे रिटर्न, उसके बाद 14 दिन क्वारंटाइन रहोगे। इन बिटवीन द टाइम क्या होगा क्या नहीं होगा पॉसिबल नहीं। आपको नहीं भी होगा अगर कोरोना और उस टाइम पे लग जाता है तो भी आपके लिए ड्रॉबैक हो सकता है, उससे बेटर आप जहाँ पे रहिए सेफ रहिए। दूसरी चीज़, हर एक एम्बेसी आपके कॉन्टेक्ट में रहने के लिए रेडी है। हर एक एम्बेसी का नंबर हमने यहाँ जो वेबसाइट है यहाँ पर लिंक हमने दिया हुआ है, वहाँ पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। घर पे रह के आपको क्या करना है, तो आपको मेनली तो एजुकेशन में इन्वॉल्व रहना, आपका काम वही है। सी आज की डेट में अगर मैं इंडियन डॉक्टर्स की बात करूँ या इंडियन मेडिकल स्टूडेंट की बात करूँ तो हर कोई मेडिकल स्टूडेंट आज की डेट में सिटी में पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ईयर का बच्चा ऑलरेडी हॉस्पिटल में जा रहा है, वहाँ पर वो हेल्प कर रहे हैं दूसरे लोगों को। तो वैसा नहीं है कि वो लोग घर पर चले गए हैं, वो हर कोई अपना काम कर रहा है। एज ए मेडिकल प्रोफेशन आपको प्राउड होना चाहिए अपने प्रोफेशन के ऊपर, और आपको खुद को पता होना चाहिए कि कितना भयानक चीज़ है, और इससे बचने के तरीके क्या, आपको दूसरों को समझाना है। उसकी जगह पे आप ये एवोकेशन के ऐसे वीडियो बना के डाल रहे हो। अगर आप लोग बात करेंगे यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया या फिलीपींस, कोई भी कंट्री की, कुछ कुछ कंट्री में ऑलरेडी एवोकेशन हो चुका है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल इस कंडीशन के अंदर 7.5 लाख इंडियन स्टूडेंट जो अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हैं, 7.5 लाख स्टूडेंट को लाना मतलब कि आप पूछ लो क्या हो जाएगा हालत गवर्नमेंट का। वो यहाँ का कंट्रोल करे कि वहाँ पे कंट्रोल करे, वो चीज़ आपके लिए सोचने वाली बात हो जाती है। तो आज की डेट में आपको जो करना है प्रिकॉशन लेना है, वो जिस जगह पे आप हॉस्टल में हो या प्राइवेट अपार्टमेंट हो वहाँ पे सेफली रहिए। ज़रूरत पड़ती है उतना कम बाहर निकलने को ट्राई कीजिए। अगर कुछ लाना चीज़ है तो 1 वीक का 10 दिन का एक साथ सामान ले आइए, उसके बाद बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। हर एक के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, खुद को अपडेट रखिए, खुद से रिसर्च कीजिए वो चीज़ों के ऊपर। दूसरी बात वो आती है कि खाने की बात में बात है तो सी हर एक जगह पे फ्रूट्स और वगैरह सब इजीली अवेलेबल है। शायद महंगा हो सकता है, लेकिन उतना महंगा नहीं कि जो आपका फ्लाइट का टिकट का जो एक्सपेंस होगा एक कंडीशन के अंदर, उससे तो सस्ता ही होगा। तो फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हो, जब लाते हो तो उसको पहले हाइजीनिकली धो ले, बाहर जाके आ रहे हो तो अपने कपड़े खुद के धो के उसको सैनिटाइज कर दे प्रॉपर। घर जहाँ पे रह रहे हो, पहले भी वीडियो में हमने बताया था कि आप जो लिक्विड्स अवेलेबल है मार्केट में उससे घर को सैनिटाइज कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल स्पिरिट ले लिया आपने, अल्कोहल ले लिया और डेटोल ले लिया, तीन मिक्स करके पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दो, सैनिटाइज हो जाएगा प्रॉपरली। तो वो एक जो स्टेज बोलते हैं कि जो जहाँ पे डर का लेवल बोलते थोड़ा कम हो जाएगा, आपको रिलीविंग हो जाएगा। दूसरी बात रहेगी कि मास्क को हमेशा पहन के रखे, हाथ में हैंड ग्लोव्स रखे, और होता है वहाँ तक डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करें कि एक बार यूज़ करके उसको फेंक दो आप, क्योंकि एक ही चीज़ बाहर से अंदर आप लेके आ रहे हो, बाहर जम्स लगने के चांसेस है और फिर फैलता रहेगा, वो बेटर है डिस्पोजेबल है उसको डिस्पोज कर दीजिए आप। दूसरा बात है सैनिटाइज़र जो है यूज़ कीजिए, जितनी बार हाथ साफ़ कर सकते हो उतना अच्छा है आपके लिए। खुद को साफ़ सुथरा रखें, खुद के आसपास की जो प्रिमाइसिस है उसको साफ़ सुथरा रखें, और इंटरनली डिस्टेंस बना के रखें। यही एक जरिया है कोरोना से बचने का। बाकी आप एवोकेशन करवा लेंगे, फैमिली के बीच में आके आप सेफ है तो वो भूल जाइए सेफ रहने वाले हो, उल्टा आप दूसरी एक फैमिली को यहाँ पे परेशान करके रख दोगे। आप खुद परेशान होकर आओगे, आपकी फैमिली परेशान होगी, और अगर वो फैलता है एज पर एज WHO नॉर्म्स एक कोरोना इन्फेक्टेड केस इंडिया के अंदर 702 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। ये लेटेस्ट जो है अभी इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोरोना लगता है तो पर डे आप 702 लोग को इन्फेक्टेड कर सकते हो। अभी आप समझ लो कि कितने लोग को इन्फेक्शन लगने के चांसेस हो जाते हैं आपको अगर हो गया तो। यहाँ पे जो काम कर रही है वहाँ पे अब्रॉड में काम कर रही है, जो पुलिस कर रही है, डॉक्टर कर रहे हैं, वो आपकी सुविधा के लिए कर रहे हैं। उनको कभी भी डिस्टर्ब ना करें, उनको सपोर्ट करने को ट्राई करें। और एज ए मेडिकल स्टूडेंट तो आपका फर्ज बनता है कि मेडिकल की सिस्टम को और मेडिकल की एजेंसी को समझें।
अगर आप नहीं समझते हो तो ये तो फिर मेडिकल प्रोफेशन चूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं रहता आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही मेरी ओर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एवं लाइक भी कर सकते हैं। और मेरा ये वीडियो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर कोई से अधिक लोग ट्राई करें, वो अवरोड के बच्चों तक पहुँचाए। अधिक से अधिक लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हर एक कंसल्टिंग ग्रुप में भी सबको डिलीवर करें कि ये चीज़ों को बढ़ावा ना दे। सी, न्यूज़ मीडिया बैठा हुआ है न्यूज़ देने के लिए, फालतू की न्यूज़ की खबरें आपके पास आती रहेगी, उसको अवॉइड कीजिए, खुद से रिसर्च कीजिए, इंटरनेट अवेलेबल है इजीली, वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप जो भी है वो डिसीज़न लीजिए। तो मेरी कुछ भी बात से आपको कुछ भी हर्ट हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इट्स अबाउट योर लाइफ एंड आवर सेफ्टी ओनली। ये पूरी सोसाइटी की, ये पूरे वर्ल्ड की सेफ्टी की बात है, तो वहाँ पे बोलने की ज़रूरत थी, वो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। धन्यवाद ऑल ऑफ यू, टेक केयर, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचने का ये एक ही रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं, उतना याद रखने की ज़रूरत है आपको। थैंक यू।